नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको चाणक्य नीति के 10वें अध्याय से अवगत कराएंगे और दोस्तों साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि आचार्य चाणक्य ने वो कौन सी बातें बताई हैं जिनसे कि चरित्रहीन महिला की पहचान हो सकती है। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं, जिसके पास धन नहीं है वो गरीब नहीं है, वो असल में रईस है यदि उसके पास विद्या है, लेकिन जिसके पास विद्या नहीं है वो सभी प्रकार से निर्धन होता है। चाणक्य जी आगे कहते हैं, हम अपना हर कदम फूंक फूंक कर रखें, हम छाना हुआ जल पिए, हम वही बात बोले जो शास्त्र सम्मत है, हम वही करें जिसके बारे में हम सावधानी पूर्वक पहले ही सोच चुके हैं। दोस्तों, जिसे अपनी इंद्रियों की तुष्टि चाहिए वो विद्या अर्जन करने के सभी विचार भूल जाए, और जिसे ज्ञान चाहिए वो अपनी इंद्रियों की तुष्टि भूल जाए। जो इंद्रिय विषय में लगा है उसे ज्ञान कैसा, और जिसे ज्ञान है वो व्यर्थ की इंद्रिय तुष्टि में लगा रहे, यह कभी भी संभव नहीं है। आगे आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, वो क्या है जो कभी कल्पना में नहीं आ सकता, वो कौन सी बात है जिसे करने में औरत सक्षम नहीं है, ऐसी कौन सी बकवास है जो दारू पिया हुआ आदमी नहीं करता, और ऐसा क्या है जो कौवा नहीं खाता। चाणक्य जी आगे कहते हैं, भिखारी एक कंजूस आदमी का दुश्मन है, एक अच्छा सलाहकार एक मूर्ख आदमी का शत्रु है, वो पत्नी जो हर पुरुष में रुचि रखती है उसके लिए उसका पति ही शत्रु है, और जो चोर रात को काम करने निकलता है चंद्रमा ही उसका शत्रु होता है। दोस्तों, जिनके भेजे खाली हैं वो कोई उपदेश नहीं समझते, यदि बांस को मलय पर्वत पर उगाया जाए तो उसमें चंदन के गुण नहीं आते। दोस्तों, जिसे अपनी कोई भी अकल नहीं है उसकी भला शास्त्र क्या भलाई करेंगे, और एक अंधे आदमी का भला आईना क्या कर सकता है। चाणक्य जी आगे कहते हैं, अपने निकट संबंधियों का अपमान करने से जान जाती है, दूसरों का अपमान करने से दौलत जाती है, राजा का अपमान करने से सब कुछ जाता है, और एक ब्राह्मण का अपमान करने से संपूर्ण कुल का नाश हो जाता है। दोस्तों, ये बेहतर है कि आप जंगल में एक झाड़ के नीचे रहें, जहां बाघ और हाथी रहते हैं उस जगह रहकर आप फल खाएं और जलपान करें, आप घास पर सोएं और पुराने पेड़ों की खाले पहने, लेकिन आप अपने सगे संबंधियों में ना रहें यदि आप निर्धन हो जाएं। दोस्तों, चाणक्य जी आगे कहते हैं, ब्राह्मण एक वृक्ष के समान है, उसकी प्रार्थना ही उसका मूल है, वो जो वेदों का गान करता है वही उसकी शाखाएं हैं, वो जो पुण्य कर्म करता है वही उसके पत्ते हैं, इसीलिए उसे अपने मूल को बचाना चाहिए, यदि मूल नष्ट हो जाता है तो ना शाखाएं रहेंगी और ना ही पत्ते। चाणक्य नीति में आगे बताया गया है, रात के समय कितने ही प्रकार के पक्षी वृक्ष पर विश्राम करते हैं, सुबह होते ही सभी पक्षी दशो दशाओं में उड़ जाते हैं। दोस्तों, हम भला क्यों दुख करें यदि हमारे अपने हमें छोड़कर चले जाएं। दोस्तों, जिसके पास में विद्या है वो शक्तिशाली है, निर्बुद्ध पुरुष के पास भला क्या शक्ति हो सकती है, एक छोटा खरगोश भी अपनी चतुराई से मदमस्त हाथी को तालाब में गिरा देता है। चाणक्य जी आगे कहते हैं, हे विशंभर, तू सबका पालन करता है, मैं मेरे गुजारे की चिंता क्यों करूं, जब मेरा मन तेरी महिमा गाने में लगा हुआ है, आपके अनुग्रह के बिना एक माता की छाती से दूध नहीं बह सकता और शिशु का पालन नहीं हो सकता, मैं हरदम यही सोचता हूं, हे यदुवंशियों, हे प्रभु, हे लक्ष्मीपति, मेरा पूरा समय आपकी चरण सेवा में व्यतीत करता हूं। दोस्तों, यदि मैं देववाणी में विशेष योग्यता रखता हूँ फिर भी भाषांतर का लोभ मुझे है, जैसे स्वर्ग में अमृत जैसी उत्तम वस्तु विद्यमान है फिर भी देवताओं को देवांगनाओं के अधरा अमृत पान करने की रुचि रहती है। चाणक्य जी कहते हैं, खड़े अन्न की अपेक्षा 10 गुना अधिक बल उसके पिसे हुए आटे में होता है, पिसे हुए आटे से 10 गुना अधिक बल दूध में होता है, दूध से 8 गुना अधिक बल मांस में होता है, और मांस से 10 गुना अधिक बल घी में होता है। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति का चरित्र दीपक की रोशनी जैसा होता है, जो दूर दूर तक प्रकाश फैलाता है, अच्छे चरित्र के लोगों से जीवन को नई राह और प्रेरणा मिलती है। दोस्तों, चाणक्य नीति जिसमें महिलाओं के लिए कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं जिससे उनकी पवित्रता बनी रहे और वो समाज में आदर प्राप्त कर सकें। दोस्तों, किसी महिला का चरित्र गिर जाए तो उसकी समाज में निंदा होती है, अपमान होता है, चरित्रहीन महिला पशुओं तथा नरकीय
जीवों से भी नीची होती है, क्योंकि पशु और नरकीय जीव तो पहले किए हुए अपने पाप कर्मों का फल भोगकर मनुष्यता की तरफ आ रहे हैं, परंतु चरित्रहीन महिला पापों में लगकर पशुता तथा नरकों की तरफ जा रही है। ऐसी स्त्रियों का संग आपके पतन का कारण बन सकता है। दोस्तों, चाणक्य नीति में एक श्लोक के माध्यम से चरित्रहीन महिला के कुछ लक्षणों के बारे में बताया गया है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, शर्म और लज्जा नारी के आभूषण हैं। जब कोई महिला इनका त्याग कर देती है तो उसे अपयश का सामना करना पड़ता है। मदिरा पान करने वाली महिलाएं परिवार और समाज में अपनी इज्जत खो देती हैं। आगे आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, दुष्ट पुरुषों का संग करने वाली महिलाओं का पतन बहुत ही जल्दी हो जाता है। उनकी वजह से परिवार की अन्य महिलाओं को भी समाज में बुरी नजरों से देखा जाता है। दोस्तों, चाणक्य जी आगे बताते हैं, पति के साथ ना रहने वाली महिलाओं और उनके बच्चों का भविष्य अंधकार में डूब जाता है। विवाह के उपरांत पति के साथ ना रहने पर महिला को समाज में उचित मान सम्मान प्राप्त नहीं होता। चाणक्य जी आगे कहते हैं, बिना काम के इधर उधर विचरण करने वाली महिला के चरित्र में दोष आ सकता है। विवाहित महिला ऐसा करे तो अपने ससुराल और मायके दोनों की इज्जत को धूमिल करती है। चाणक्य जी अपनी इसी नीति में आगे बताते हैं, आ समय एवं देर तक सोने वाली महिलाएं अपने शरीर का तो नुकसान करती हैं, साथ ही पारिवारिक दायित्व तो भी ठीक से निभा नहीं पाती, इसीलिए वो शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार रहती हैं। आगे आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, पिता और पति ये दो घर ही महिलाओं के लिए उपयुक्त माने गए हैं। अपना घर छोड़कर दूसरे के घर में रहने वाली महिला के चरित्र में दोष आ सकता है। किसी दूसरे के घर में चाहे जितना भी ऐशो आराम हो, लेकिन जो सुख और अपनापन पिता और पति के घर में प्राप्त होता है वो कहीं और नहीं मिल सकता। तो दोस्तों, ये थे आचार्य चाणक्य जी के कुछ बेहद अनमोल विचार जो मैंने आप लोगों के साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर किए। आई होप आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा होगा। दोस्तों, इस वीडियो से आपने क्या सीखा और वीडियो में आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद आया, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आपको रोजाना ऐसे ही वीडियो देखने में इंटरेस्ट है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि फ्यूचर में आने वाली हमारी सभी वीडियोज को आप आसानी से देख सकें। दोस्तों, मैं मिलता हूं आपसे एक ऐसी ही मोटिवेशनल, इंस्पायरिंग, लाइफ चेंजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे मोटिवेट, स्टे फियरलेस।